हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का आर के सर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एडिटेरिया का जो बिहार दरोगा का पुलिस अवर निरीक्षक का सेट लगा रहे हैं। हम लोग टोटल क्या कितना सेट लगा चुके हैं, 1 से 10 सेट लगा चुके हैं। हम लोग आज 11वां सेट को लगाएंगे, कोशिश करेंगे इसमें भी 70+ बनाने का। जिन लोगों ने पीछे के सेट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देखें, ठीक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आपको इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए, हिमाचल प्रदेश। कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में आपको हिमाचल जो केंद्र शासित पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के पंचायती राज विभाग को दिया गया है। ई पंचायत पुरस्कार जो है उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायत में कार्य करने की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है। इसमें कौन कौन सा काम होता है? आपको जन्म प्रमाण पत्र बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, और विवाह संबंधी जो विवाह का प्रमाण पत्र होता है ये सब बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। किस राज्य सरकार ने COVID-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की? आपको इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने आपको सबसे पहले देश का जो सबसे पहला राज्य है आपको महाराष्ट्र है जो कि COVID-19 को लेकर प्लेटिना की शुरुआत की। इसमें आपको जो प्लेटिना जो होता है प्लाज्मा थेरेपी होता है COVID-19 में ये दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास। भारत का पहला जीवित पार्क कला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, आपको स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका में आपको भारत का पहला पाक कला संग्रहालय स्थापित किया गया। अच्छा एक सेकेंड, इससे पहले मैं नेक्स्ट पर जाऊँ, आपको इसका मैं मतलब इन तीनों राज्य का आपको CM और गवर्नर बताता हूँ। तो हम लोग ये भी देखते चलेंगे CEO और गवर्नर कौन है। तो कर्नाटका के आपको CM कौन है? आपको VS येदियुरप्पा, ठीक है। और गवर्नर कौन है आपको इसके? वजू भाई वाला, ठीक है। और नेक्स्ट इसके पहले मैंने क्या हम लोग क्या देखा था, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का आपको CM और गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के CM को हो गए उद्धव ठाकरे जी, ठीक है। और गवर्नर कौन हो गए? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। और हिमाचल के कौन हो गए? हिमाचल के आपको हो गए जयराम ठाकुर। कौन हो गए? जयराम ठाकुर, ठीक है। और यहाँ के जो भंडारू दत्तात्रेय हैं वो गवर्नर हैं, भंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। फसल को नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य में के द्वारा शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात के द्वारा आपको फसल जो किसानों को आपको मुख्यमंत्री जो किसान सहाय योजना की शुरुआत की गई, जिसमें कि आपको किसानों को सूखे से बारिश से ये सबसे जो नुकसान होता है उसमें किसानों को 1 लाख रुपया का दिया जाता है, आर्थिक सहायता पहुँचाया जाता है, जिसका इनको किसानों को आपको प्रीमियम नहीं देना होता। आपको गुजरात के आपको CM गवर्नर कौन है? गुजरात के CM हो गए विजय रूपानी। कौन हो गए? विजय रूपानी। गवर्नर कौन हो गए? आचार्य देवव्रत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको आंसर डी, मारी के लुकास रिजनेवल्ड, ठीक है। मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 2020 में आपको नीदरलैंड के मार्के लुकास रिजनेवल्ड को दिया गया। किसके लिए, किस बुक के लिए दिया गया है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है, ठीक है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया, ठीक है। ये कहाँ के हैं आपको? ये आपको नीदरलैंड के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य की मशहूर मिर्च खोला मिर्च को आपको GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर होगा गोवा। क्या होगा? गोवा। अब गोवा के आप CM और गवर्नर को बताइए, गोवा की CM और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर आपको महाराष्ट्र की जो गवर्नर है सेम है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। और इसके CM कौन है आपको? प्रमोद सावंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत के किन
किन देशों के की नौ सेनाओं के बीच हुआ है, तो ये सभी मतलब सेनाओं के मतलब अमेरिका की भी हुआ है, जापान में भी के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। पर जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला बार हुआ है, और उसमें से आपको जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो हुआ है आपको, उसमें से जो पहला चरण था, फर्स्ट स्टेज था इसका, वो आपको विशाखापट्टनम के तट पर बंगाल की खाड़ी में हुआ है, और सेकेंड आपको हुआ है नौसैनिक अभ्यास जो हुआ, वो दूसरा चरण हुआ है आपको अरब सागर में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है, इसका आंसर होगा सत्भामा पोर्टल। कौन सा? सत्भामा पोर्टल को कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य आपको खनन और डिजिटल खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को प्रमुख मतलब भूमिका लाना था। और जो प्रहलाद जोशी जी हैं इसके मंत्री हैं, कौन है? प्रहलाद जोशी, ठीक है, कोयला और विकास मंत्री के। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत का राजकोषीय जीडीपी घाटा आपको घाटा जो है जीडीपी का कितना परसेंट है, इसका आंसर होगा 3.3%। क्या होगा? 3.3% आपको आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार राजकोषीय घाटा का है। ठीक है, जिसमें कि आपको प्राथमिक आपको घाटा जो है प्राथमिक घाटा आपको 0.1% है, जिसमें और राजस्व घाटा है 2.3% है। ठीक है, ये सब भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार का कर्ज जीडीपी का कितना परसेंट है आपको, इसका अर्थ होगा 48.70% होगा। ठीक है, कितना होगा? 48.70%। चलिए नेक्स्ट क्या है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाला बिहार का जो जिला है वो कौन सा है, इसका आंसर होगा जहानाबाद। ये जहानाबाद जो जिला है ये भारत का वन क्षेत्र जो 2019 के अनुसार हुआ था, बिहार का एकमात्र जिला है जहां पर आपको परसेंटेज और वनावरण का जो क्षेत्र है दोनों शून्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। किस देश ने जनवरी 2021 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह वन का सफल परीक्षण किया है, तो पाकिस्तान ने किया है। किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है, और इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है, और पीएम कौन है? इमरान खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईपीएल 2020 का सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे चयनित किया गया, इसका सही आंसर होगा कौन सा? इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी। कौन सा होगा? जोफ्रा आर्चर। जो सर्वाधिक जो मूल्यवान आपको खिलाड़ी थे आपको जोफ्रा आर्चर थे। आइए, कौन सा आईपीएल का कौन सा संस्करण था? ये 13वां संस्करण था, ये भी याद रखिए, 13। ठीक है, और इसमें जो सीजन का जो पावर प्लेयर जो प्लेयर के बारे में घोषित किया गया था, उसे किसी को घोषित किया? ट्रेट बोल्ट को घोषित किया गया। और ईशान किशन को क्या घोषित किया गया? ईशान किशन को सीजन का सर्वाधिक छक्का मारने वाला प्लेयर घोषित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले COVID-19 की परीक्षा जो सुविधा परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की गई, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर। कहाँ पर? दिल्ली एयरपोर्ट पर। ठीक है, यहाँ के आपको सीएम कौन है? आपको अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 वार्ता सैनिक का नाम क्या है, तो इसका नाम होगा BECA। क्या होगा? BECA। जो तीसरा थर्ड आपको 2+2 वार्ता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, इसका नाम है BECA। इसका उद्देश्य क्या था? दोनों देशों के बीच में जो भी साझेदारी थी रक्षा के लिए जो साझेदारी थे उसको मजबूत करना, और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में आपको जो भी शांति और स्थिरता को कायम लाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के प्रत्याशियों की अधिकतम राशि जो अधिकतम खर्च की सीमा को कितना परसेंट आपको वृद्धि की गई है, तो इसका आंसर होगा 10%। ठीक है, पहले जो था 2014 में जो था, इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें 28 लाख का दिया गया था, इसका 2.8% अगर 10% निकाले तो 2.8 होगा, तो 2.8 इसमें जोड़ देंगे कितना होगा हमारे पास 30 लाख। कितना होगा? 30,80,000। क्या होगा? 30,80,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने परसेंट की FDI की मंजूरी दी है, तो इसका आंसर होगा 74%। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे पहले कितना था,
जो उतना से बढ़ाकर ये 74% किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 49% होगा, 49% से 74% बढ़ा के FDI कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, हरिथाहड़म कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में किया गया है आपको। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव जी के द्वारा ये शुरुआत किया गया। आपको कहाँ पर किया गया, तेलंगाना के नादापुर, कहाँ पर नादापुर एक है वहाँ पर पौधे लगा के ये छठे संस्करण का जो छठे चरण का शुरुआत किया गया। और इसका जो शुरुआत किया गया था सबसे पहले आपको 2015 में शुरू किया गया था। अच्छा तेलंगाना के आपको गवर्नर कौन है, तेलंगाना के आपको गवर्नर आपको है तेलासी सुंदर राजन। कौन है, तेलासी सुंदर राजन, एक सेकेंड लिख देता हूँ। सुंदर राजन इन्हें ही अभी कुछ दिन पहले पुदुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उन्हें नियुक्त किया गया। आपको एडिशनल चार्ज इन्हें मिल दिया गया। और ये किसके चार्ज पर के लिए, आपको किरण बेदी जिन्हें हटा दिया गया है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर से पुदुचेरी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू बी राइट हाउ टू बी अ राइटर की पुस्तक के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड। कौन है, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। और इनके जो अन्य बुक है उसका नाम क्या है आपको, रस्किन बॉन्ड के रूम ऑन द रूफ, कौन सा रूम ऑन द रूफ, एक सेकेंड इसको सब ऑन द रूफ, ठीक है। इनका अन्य बुक है रस्किन बॉन्ड द मसूरी ईयर्स, ये सब भी बुक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है आपको, तो 9 जनवरी को कब मनाया था, कब मनाया था 9 जनवरी को मनाया था, प्रत्येक वर्ष मनाया था। और सर्वप्रथम ये कब मनाया था, मनाया गया था 2003 में मनाया गया था। और इसका थीम क्या है आपको, इस बार का जो 2021 का थीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, क्या है आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएं कि ये प्रवासी दिवस हम लोग मनाते क्यों हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है ट्रस्ट में कितने सदस्य का अनिवार्य रूप से दलित समाज में से होंगे, इसका सही आंसर होगा एक, क्या होगा एक, ठीक है। जो कि आपको बिहार के हैं, आपको कौन है बिहार के, कामेश्वर चौपाल, कौन है कामेश्वर चौपाल है, उनको एक जो एक सदस्य है वही एक सदस्य है जो कि दलित समाज से बिलोंग करते हैं। और टोटल कुल कितने सदस्य है, टोटल आपको 15 सदस्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कितने क्या है, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, किसे बनाया गया, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपको कौन सा, कुलदीप हांडू, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट जो है उसका ब्रांड अम्बेसडर आपको कब स्टार्ट हुआ था, 29 अगस्त 2019 को ये स्टार्ट हुआ था। और इसका ब्रांड अम्बेसडर आपको कुलदीप हांडू को बनाया गया। और अक्षय कुमार को आपको हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का बनाया गया है, ठीक है। ब्रांड अम्बेसडर आप लोग टीवी पर इसका एड भी देखते होंगे, प्रोटीन प्लस का एड देते हैं, ठीक है। और क्या होगा, और इसका जो है अंकित फाडिया को आपको डिजिटल इंडिया का बनाया गया, किसका डिजिटल इंडिया का बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 168वां आपको भारतीय पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में आपको भारत का स्थान 168वां रहा, जिसमें कि आपको प्रथम आपको डेनमार्क रहा, कौन रहा डेनमार्क रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अच्छा और ये जो सूचकांक है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और निकाला जाता है, तो ये आपको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। चलिए जारी किया जाता है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया गया है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में आपको सबसे ऊंचा जो पुल बनाया गया इसका नाम है PIER पाइड, ठीक है। पाइड बनाया गया जो कि आपको इस पुल का जो निर्माण है इजाई नदी पर किया गया, किस नदी पर किया गया ये भी याद रखें, पाइड एक तो पाइड याद रखेगा इस नदी इसका नाम है और इजाई, ठीक है, ये भी याद रखेगा इजाई नदी पर किया गया है। और मणिपुर के जो आपको सीएम है कौन है, एन बीरेन सिंह, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, नजमा हेप्तुल्ला, जिसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है हमेशा कि कहाँ के गवर्नर है। चलिए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTIAI के अध्यक्ष कौन है, इसका सही आंसर होगा शेखर कपूर, कौन होगा शेखर कपूर। और प्रवेश रावल जी को आपको
जो बनाया गया है किसके मतलब अध्यक्ष बनाया गया है आपको, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष बनाया गया। ये एग्जाम में आ चुका है कि परेश रावल किसके अध्यक्ष हैं आपको, ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश आपको कौन सा है आपको, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए लक्षद्वीप, सबसे न्यूनतम ये होगा और सबसे ज्यादा आपको हो गया दादर नगर हवेली, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास, कांगशाफ्ती परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है आपको, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। कांगशाफ्ती परियोजना आपको कांगशाफ्ती नदी पर बनाया गया है जो कि आपको वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के आपको सीएम कौन है, आपको वेस्ट बंगाल के सीएम हो गए आपको ममता बनर्जी, कौन हो गए ममता बनर्जी, और यहाँ के आपको गवर्नर कौन हो गए आपको जगदीप धनखड़, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको मतलब सीएम और गवर्नर बता रहा हूँ कि आप लोग सुनते ये याद हो जाए, क्योंकि हर साल मतलब हर एग्जाम में मतलब मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछा जाता है गवर्नर कौन है स्टेट के, ठीक है, और सीएम कौन है, कुछ एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इतना मतलब डेली बोलेंगे हम लोग तो बात करेंगे तो इस तरह से हम लोग को याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास, लोम्बोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, तो इसका सही क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी बाली और लोम्बोक, क्या होगा बाली और लोम्बोक, ठीक है। लोम्बोक जल डमरू मध्य जो है आपको मध्य जो है जावा, किसमें जावा सागर और हिंद महासागर, कौन सा जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, और बाली किसको जोड़ता है, बाली आपको बाली और लोम्बोक द्वीप मतलब बाली और लोम्बोक द्वीप के मध्य स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सा गर्म जलधारा है आपको, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ब्राजील जो है आपको किसका ब्राजील इरमंजील फ्लोरिडा, कौन सा ब्राजील इरमंजील फ्लोरिडा आपको एवं गल्फ स्ट्रीम आपको अटलांटिक महासागर का, किसका अटलांटिक महासागर का आपको ठंडी जलधारा है आपको, और ये सब आपको मतलब सॉरी अटलांटिक महासागर का आपकी ये गर्म जलधारा होगी, और बाकी ये तीन होगी आपको ठंडी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर और कनाडी जलधारा, ठीक है अटलांटिक की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, निम्न में से किस वन में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं आपको, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा पर्वतीय वन में आपको शंकुधारी वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपको, जो कि जिसमें कौन कौन सा होता है, चीड़ होता है, देवदार होता है, सिल्वर फर होता है, स्प्रूस होता है, ये सब आपको पर्वतीय वन, ठीक है। और टेगा वन में कौन सा होता है, टेगा वन में आपको होते हैं कोनधारी वन, आपको सदाबहार वन आपको टेगा वन कहलाते हैं, जिसमें इसकी आपको पत्तियां नुकीली होती है, कौन सा पत्तियां नुकीली होती है, ठीक है। और टुंड्रा वन कौन सा होता है, टुंड्रा वन आपको वनस्पति जो कि सालों भर आपको बर्फ से ढके होते हैं वैसे वनों को आपको टुंड्रा वन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्या बताना नहीं है सुमेलित ये बताना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए शुरू से देखते हैं हम लोग, मेशाबी खान लो एस्क ये सही है आपको, होम स्टेक खान आपको सोना सही आपको है, बेला डीला खान आप लो एस्क ये सही है, तो मतलब क्या होगा ये गलत, काला गुर्गी जो खान है बॉक्साइट का ये गलत है आपको, ये आपको काला गुर्गी जो काला गुर्गी ऑस्ट्रेलिया में इसे थे, यह प्रमुख सोने की खान है, क्या है गोल्ड की खान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है आपको, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हेलोफाइट, जो नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति है उसको क्या कहते हैं हेलोफाइट कहते हैं, लिथोफाइट किसे कहते हैं कड़ी चट्टानों, जो कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति होते हैं उनको कहते हैं लिथोफाइट, मैसोफाइट किसे कहते हैं इसे कहते हैं शीतोष्ण, एक सेकेंड हाँ शीतोष्ण जो कटिबंध में क्षेत्र में होते हैं उसको आपको मेसोफाइट कहते हैं, और हाइड्रोफाइट आपको हाइड्रो से नाम से ही पता चलेगा ये पानी के से जल प्लावित क्षेत्रों में प्रभाव जो ये वनस्पति पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, तो शुरू से देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है या गलत है, चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पिरेनीज पर्वत आपको फ्रांस और स्पेनिश, तो ये फ्रांस और स्पेन के पिरेनीज जो पर्वत है आपको ये सही है, ठीक है। जूरा पर्वत और ये भी सही है आपको है वॉर्जेस
फ्रांस और जर्मनी के मध्य, तो ये सब सारे से ही इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूमध्य निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है आपको, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि। सुदूर जो दक्षिणी स्पेन होते हैं, सुदूरी दक्षिणी स्पेन और उत्तर पश्चिमोत्तर अफ्रीका जो कि मोरक्को के मध्य में स्थित जिब्राल्टर जल संधि एक चैनल है जो कि भूमध्य, जो कि भूमध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, भूमध्य अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दक्षिण पूर्व एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमि परिपद लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक का मतलब वैसा देश जो कि आपको समुद्र से कनेक्टिविटी नहीं हो उसको, जैसे कि हमारे बगल में नेपाल, नेपाल एक साइड से इंडिया से घिरा है, यहाँ से एक साइड नेपाल से, इंडिया से चाइना से भूटान से इस चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन डी लाओस। आपको सिर्फ एकमात्र देश है दक्षिण पूर्व एशिया का जिसका जो कि स्थलवृद्ध लैंडलॉक देश है। आप इसकी राजधानी क्या होगी, वियत वी ए वी सॉरी वी वियनिति वियनिति याने वियनिति याने ठीक है वियनिति याने। चलिए नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में इनमें से कौन सी ऋतु भारत में सर्वाधिक चक्रवातीय गतिविधियों से संबंधित मौसम है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा शरद ऋतु। शरद ऋतु आपको सर्वाधिक चक्रवाती संबंधित मौसम है, इसमें से क्या होता है आपको मानसून जो होता है, मानसून लौटते वक्त होता है जो कि आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है और यह बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती गतिविधियों को सक्रिय होती है जो कि आपको कोरोमंडल जो साउथ में पड़ता है, आपको कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है साउथ में आप सबसे ज़्यादा देखोगे आपकी जो मानसून जब रिटर्न होता है हिमालय से जब टकरा के हम लोग की तरफ जब बारिश हो जाती है तो ख़त्म होने के समय आपको उस समय वहाँ उधर बारिश होती है। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैव आवर्धन का से तात्पर्य क्या है आपको, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपको उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों के पीरक नाशियों की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सूची एक और दो को सही से सम्मिलित करना है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, ईईजी ये मस्तिष्क ये सही है, ईसीजी हृदय सही है, ईओजी आंख सही है, ईएमजी मांसपेशी है, तो इसका आंसर होगा आंसर ए ए बी 1 2 3 4। ठीक है चलिए आप लोग को स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा तो थोड़ा सा मतलब बैक करके जरूर देख लीजिएगा क्योंकि टाइम कम रहता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है तो मैं इसलिए इसका स्पीड में थोड़ा करा रहा हूँ। ओके और इसका पीडीएफ आपको टेंशन नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसलिए टेंशन मत लेना आप लोग। निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा चूहा। चूहा जैसे कि जो भी अधिकतर रीढ़ वाले होते हैं पशु होते हैं उसमें पित्ताशय पाया जाता है, परंतु उसके जो अपवाद हैं आपको एक चूहा हो गया, एक दूसरा होता है घोड़ा हॉर्स। ठीक है ये अपवाद हो गए, बिना रीढ़ वाले हड्डियों में पित्ताशय नहीं होता है ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर क्या हुआ, गन्ना। हम लोग आप लोग देखो कि गन्ना जो गन्ना का होता है उसको हम लोग तना काट के हम लोग यूज करते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वो किससे प्राप्त होती है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आवृत्ति बीज पादक। जो कुनेन है, कुनेन मलेरिया के उपचार के लिए सबसे प्रमुख औषधि है जिसे हम लोग सिनकोना नामक पौधे की छाल से हम लोग प्राप्त करते हैं, ये एक आवृत बीजी पादक है। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, निम्नलिखित में से मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कान में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कान में पाया जाता है ये याद रखिएगा, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग स्टिपिज, क्या कहते हैं स्टिपिज, और सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो जांघ में पाया जाता है इंसान के। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है आपको, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वसा। क्या होता है वसा जो आपको होता है पित्ताशय यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडारण होता है, पित्ताशय के अंदर जो पित्त होते हैं अवयवों का संघनन बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी होती है, अब पित्त के जो पथरी होता है वसायुक्त भोजन के पाचन को प्रभावित करता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पौधे में लचीलेपन निम्नलिखित में से किस स्थायी उत्तक के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोलेनिकाइम, ठीक है, कोलेनिकाइमा। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलती हो गया तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि हार्ड हार्ड होता है तो ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हो जाता है दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको? तो देखिए, इसका जो नग्न बीज उत्पन्न करने वाला पौधे को जिप्रोस्पर्म कहते हैं, तो ये सही है। फल के अंदर जो बीज उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न करने वाले पौधे को एंजियोस्पर्म कहते हैं, ये दोनों सही है, मतलब कथन ए और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जंतु को जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है आपको? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है आपको, इसे खुला क्या कहते हैं, खुला खुला परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा? इसे खुला परिसंचरण तंत्र में पाया जाता है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास, परमाणु नाभिक के अवयव कौन हैं आपको? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? नाभिक के चारों चक्कर लगाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु में कक्षों को भरने के लिए क्रम किस सिद्धांत पर के द्वारा नियंत्रित होता है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवभव के सिद्धांत पर। अवभव का जो नियम होता है, तो उसमें तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए हम लोग आसन विधि प्रदान करते हैं, आसन विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न स्तर में पाया जाता है, और जब यह ऊर्जा पूर्णतः जो इस ऊर्जा जो स्तर है पूर्णतया भर जाता है, तो इसका तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा पर आपको उच्च स्तर, इस ऊर्जा से उच्च स्तर में पाया जाता है, और इसी क्रम में चलता रहता है। इस सिद्धांत को हम लोग अवभव के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित इनमें से कौन सा पोटेशियम का अहिष्क नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा क्रायोलाइट। ये पोटेशियम जो है, पोटेशियम इसका जो फॉर्मूला होता है क्रायोलाइट का, क्या होता है, Na3AlF6। ये आपको सोडियम Na का, सोडियम का नेट होता है, ये अहिष्क होता है, जबकि ये सारे बाकी जो है आपको क्रानेलाइट, सिनोलाइट, सिल्वरलाइट, ये सब आपको क्या कहते हैं, पोटेशियम के का आपको अयस्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किस धातु में बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल की डिब्बों के में पुर्जों में काम लिया जाता है? इसका सही आंसर होगा आपको क्या, इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। सबसे हल्का माना जाता है, सबसे हल्की फुल्की होती है ये, तो मतलब लोहा, तांबा, इन सबसे सबसे हल्का होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को हम लोग हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में भी हम लोग यूज़ करते हैं। और इसका सबसे मेन कारण क्या है, इसमें जंग नहीं लगता है एल्यूमिनियम में, ठीक है, और लोहा अयस्क में जंग लग जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस में कार्बन की मात्रा सबसे अधिकतम होती है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ढलवा लोहा में जो आपको कार्बन की मात्रा आपको 3.5% to 4.5% होती है, जबकि आपको पिटवा लोहा में आपको होती है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस टाइप का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, इसको याद रखिएगा, कौन सा होता है, पिटवा लोहा में 0.04 to 0.08%, ठीक है, और स्टील में कितना होता है, 1.5% होता है, जबकि मिश्र धातु में होता है 0.1% to 1% होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रिया में उत्पन्न किया जाने वाली गैसें क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन जो और हीलियम जो होता है, जो मिश्रण, इसका जो मिक्सचर होता है आपको गोताखोरों के द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक जो दाब होता है नीचे, जब पानी में जब एंट्री करते हैं ये गोताखोर, तो उसमें उस समय प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है, हीलियम क्या करता है, रो रक्त के साथ विलय करके आपको मतलब विलय करता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनने का, तो इसका कारण क्या हुआ, कारण हो जाएगा आपको CO2, क्या होगा, CO2, ठीक है। CO2 आपको जो होता है इनो लवण होता है, इनो लवण को आपको जल में डालने पर उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को गैसें आपको बुलबुले बनाती है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है आपको, तो इसका आंसर होगा ऑक्सलेट अम्ल का। क्या होगा, ऑक्सलेट के अम्ल का जो फेरस ऑक्साइड होता है, कौन सा होता है, फेरस ऑक्साइड होता है, इसके हम लोग यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। और फॉर्मिक एसिड होता है, जो फॉर्मिक एसिड होता है वो किस लिए यूज़ होता है, फॉर्मिक एसिड चींटियों में होता है, ठीक है। और साइट्रिक क्या होता है, साइट्रिक आपको अम्ल होता है नींबू में होता है, लेमन में, ठीक है। और जो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरका में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, समतल कोण का मात्रक क्या है आपको, तो समतल कोण का मात्रक आपको रेडियन है, क्या है इसका, रेडियन है, ठीक है। और घन कोण का मात्रक आपको है स्टेरेडियन, ठीक है, चलिए रेडियन आर ए डी लिखते हैं, ये भी याद रखिएगा। किसी तरल के क्षयणता को मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है आपको, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विस्कोमीटर। देखिए नाम से ही आपको लग रहा होगा विस्कोमीटर का, किसी तरल की क्षयणता को मापन करने वाला हम लोग कहते हैं विस्कोमीटर। और विंड वेन क्या होता है, विंड का मतलब हवा, तो पवन की जो दिशा होती है, पवन की जो दिशा होती है उसको हम लोग मापते हैं, क्या होती है, पवन की दिशा, उससे मापते हैं। रेडियो क्या होता है, देखिए रेडियो से, रेडियो आप नाम से ही लग रहा है, रेडियो क्या है, रेडियो एक्टिव होता है ना, जैसे विकिरण, इसके नाम से याद रखिएगा क्या होता है, विकिरण, विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मापन करने हम लोग यूज़ करते हैं। जायरोस्कोप, जायरोस्कोप का हम लोग करते हैं कोणीय वेग के लिए, क्या करते हैं, कोणीय वेग के लिए हम लोग माप करने के लिए यूज़ करते हैं, मापन यंत्र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कारकर्ता कौन है, तो इसका आंसर होगा हर्ट्ज, क्या होगा, हर्ट्ज, आंसर हर्ट्ज होगा। 1887 कब होगा, 1887, ये उन्होंने आपको जो आविष्कारकर्ता थे हेनरिच हर्ट्ज थे, उन्होंने इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार किया था। इसका देखो हम लोग जो एसआई मात्रा भी कहते हैं हर्ट्ज कहते हैं, एच जेड लिखते हैं, ठीक है। और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1921 में, 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, कौन करता है, तो ये सभी करता है, अल्फा बीटा गामा ये सारा करता है, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, अच्छा रेडियोधर्मी जो ऐसा पदार्थ होता है जो कि आपको रेडियो एक्टिव किरण जो उत्सर्जन करता है उसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, ठीक है। चलिए ये भी याद रखिएगा, किसी अर्ध चालक को प्रतिरोध गर्म करने पर उसकी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा, उसका उसके प्रभाव पर प्रतिरोध जो होता है उस पर घट जाता है, ठीक है, क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। जो अर्धचालक की विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है चालकों से अधिक जो परंतु कुछ चालकों में कम होती है, ठीक है, परंतु ताप में ताप पर अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता है जो आपको 10^-2 से आपको 1 ओम तक की होती है, और ताप बढ़ने से अर्धचालक क्या होता है, प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, क्या होता है आपको, धातु में होता है, वायु में होता है, निवार्त में होता है, किस में होता है, तो धातु में होता है, क्या होगा, ध्वनि का जो वेग होता है सबसे आपको धातु में, हम लोग देखिए आप लोग देखते होंगे जो कभी कभी मान लीजिए एक लोहे का चीज़ है, तो हम लोग यहाँ अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी इस पर आवाज़ करते तो इस साइड हम लोग को टन से आवाज़ आता है, ठीक है। तो विभिन्न माध्यम के जो ध्वनि के जो विभिन्न चालक है उसमें जो ठोस की जो सबसे सर्वाधिक होती है वो ठोस में सबसे होती है, फिर होता है क्या होता है, देखिए ठोस होता है, फिर उसके बाद होता है आपको द्रव में होता है, फिर होता है गैस में होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा ध्वनि का वेग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता वाली पाई जाती है किस में पाई जाती है आपको, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं उसमें जो वनों में आपको पृथ्वी के सभी परिस्थिति की तंत्रों की अपेक्षा अधिक जैव विविधता पाई जाती है, और उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं भूमध्य रेखा, कहाँ, एक सेकेंड, भूमध्य रेखा के आसपास आपको व्यवस्थित होती है, ये सब पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, निम्न में से कौन एक वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपको, तो आंसर डी क्या होगा, आंसर डी क्या होगा, वैश्विक तापन के लिए ये उत्तरदायी नहीं होता है, CO2 CH4 N2O CFC O3
ये सब ग्रीन हाउस है, ठीक है, ग्रीन हाउस के उदाहरण है आपको, ग्रीन हाउस है, जबकि आर्गन जो है आर्गन आपको ग्रीन हाउस का उदाहरण है तथा यह वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है। जलवाष्प, ओजोन गैस और मीथेन, ये सब आपको आपको वैश्विक तापन के उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्न में से कौन सा वन सवर्ग नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा, राष्ट्रीय वन नीति जो आपको होती है 1952 के अनुसार आपको वनों की जो वर्गीकृत किया गया है उसमें कौन कौन से वन आते हैं, संरक्षित वन आते हैं, संरक्षित वन आते हैं, राष्ट्रीय वन आते हैं, ग्रामीण वन आते हैं, ये तीन टाइप के आते हैं, ठीक है, जबकि आपको राष्ट्रीय उद्यान नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपको, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा शिकोया। सिकोया का जो वृक्ष होता है सबसे लंबा वृक्ष जीवित रहने वाला वृक्ष होता है, यह आपको अमेरिका की आपको उत्तरी में, अमेरिका के नॉर्थ में आपको कैलिफोर्निया जो है कैलिफोर्निया में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 379 फीट होती है, लगभग आपको 115.5 फीट की मीटर की लगभग होती है, ठीक है। चलिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाई जाती है ये। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वंदना शिवा। कौन होगा, वंदना शिवा आपको टुमारोज बायोडाइवर्सिटी की पुस्तक की आपको लेखक है, ठीक है। यह आपको पुस्तक 2000 में प्रकाशित हुई थी आपको, ठीक है। वंदना शिवा एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ता है, ठीक है। भारत की बीमा क्षेत्र का विनियमन है कौन सी संस्था करता है आपको, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इरडा। आपको जो भारत की बीमा क्षेत्र का विनियम है आपको इरडा करती है। इरडा का जो मुख्यालय आपको हैदराबाद में है, कहाँ है, हैदराबाद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में, कब हुई थी, 1999 में, ठीक है। और इसके चेयरपर्सन कौन है आपको, सुभाष चंद्र कांतिया, ठीक है, सुभाष चंद्र कांतिया, ठीक है। चलिए, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा आपको वो वैसा मुद्रा होता है जो कि आपको ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, ठीक है, उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि दुर्लभ है, सीधा सीधी बात है। किस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, क्या होती है आपको, तो इसका आंसर होगा उत्पादन कार्यों का योगफल, ठीक है। जो उत्पादन कार्यों का योगफल होता है आपको किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है आपको। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, CSO, ठीक है। इसकी स्थापना आपको 1951 में हुई थी CSO की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ठीक है। इसकी स्थापना आपको कब हुई थी, 1875 में किया गया था, 1875 में, ठीक है। वर्तमान में भारत में आपको कितने स्टॉक एक्सचेंज है, टोटल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या आपको 23 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है, संतुलित विकास का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया है आपको, तो इसका आंसर होगा आपको रैगनर नर्क्स। संतुलित विकास का सिद्धांत आपको अर्थशास्त्री रैगनर नर्क्स ने दिया है, ठीक है। भारतीय संविधान के 17वीं संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन से हैं आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको इसका आंसर होगा दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है। दिल्ली और पुदुचेरी के राज्यों के संघ के जो क्षेत्र के विधान सभाओं के आपको सदस्यों की को आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए आपको 17वां संविधान संशोधन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दिया गया है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपको अनुच्छेद 326,
326 के तहत आपको भारतीय संविधान के जो वयस्क मताधिकार को मान्यता प्रदान की गई है, जबकि अनुच्छेद 324 के जो मैंने निर्वाचन आयोग की जो गठन की बात की गई है कि क्या की है, 324 में निर्वाचन आयोग की गठन की बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति का विधायी शक्ति कौन सा होता है, आपको इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपको, देखिए आपको इसका आंसर हो गया आपको संसद में सत्र आहूत करना, ये है। ठीक है, और संसद के सत्रावसन करना, ठीक है, ये भी है। और उच्च न्यायालय की किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह नहीं लेते हैं, सलाह लेना, ठीक है, तो इसमें जो होता है आपको ये नहीं होगा, और अध्यादेश जारी करना, तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4। ठीक है, तो राष्ट्रपति विधायी शक्ति के अंतर्गत संसद सत्र आहूत करता है, ठीक है, और संविधान का सत्रावसन भी करता है और अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, जबकि उत्तर जो उच्च न्यायालय के जो राष्ट्रपति को किसी भी विधि या तथ्य के सलाह लेना आपको इसका न्याय शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं आता, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत है न्याय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा सही से नहीं है। हम लोग के पास एक ग्राम पंचायत में अधिकारी एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, ये सही आपको है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी सही आपको है। और जो ग्राम पंचायत की बैठक जो आपको होती है पंचायत में कम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये भी सही है आपको। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, नहीं ये नहीं होगा, ये गलत, प्रत्येक ग्राम में होती है नहीं, जबकि प्रत्येक ग्राम में नहीं होती है, ठीक है, बल्कि ग्राम पंचायत की बैठक जो होता जो पंचायत होता है वो मुख्यालय में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 16 से संबंधित है, आपको क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपको भाग 16 से संबंधित आपको है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हो, जबको जो कि आपको भारतीय संविधान के भाग 16 से संबंधित जो है अनुच्छेद 330 से 342 जो है में कुछ वर्गों में आपको जो कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, निम्न में से कौन सा विशेष समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, आपको इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आप जनसंख्या नियंत्रण, क्या होगा जनसंख्या नियंत्रण, आपको आर्थिक सामाजिक योजना जो होती है, आर्थिक योजना, सामाजिक योजना, शिक्षा समवर्ती योजना जो सूची होती है उसमें उसके विषय में आता है, जबकि विदेशी व्यापार, रेल, वायु, जल परिवहन जो होता है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कौन सा लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, भू राजस्व जो होते हैं, भू राजस्व होते हैं, राज्य सूची के का विषय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संवर्धन के लिए प्रयासों का वर्णन है, आपको तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। ठीक है, जो अनुच्छेद 50 है आपको है, अनुच्छेद 50 में आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण है, किसका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण है, उन दोनों को अलग किया गया, जबकि और 51 में क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन के लिए प्रयासों का वर्णन किया गया। और अनुच्छेद 38 में क्या किया, अनुच्छेद 38 में आपको लोक कल्याण की किसका, एक सेकेंड, लोक कल्याण की अभिवृद्धि की का व्यक्त किया गया आपको। अनुच्छेद 47 में क्या किया गया, अनुच्छेद 47 में आपको पोषाहार किसका, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, ठीक है, जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य सुविधा को जो सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ये वर्णन किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्रमशः निम्न में क्रमशः कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता का, भ्रातृत्व का उल्लेख है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपको कौन सा होगा, आपको 3, 5, 2, 1। ठीक है, जो आपको है देखिए तीन प्रस्तावना का जो न्याय है आपको सामाजिक आर्थिक है आपको, और स्वतंत्रता प्रस्तावना की जो स्वतंत्रता है आपको पांच जो है आपको उसमें कौन कौन सा आपको
विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना का व्यक्त किया गया, और प्रस्तावना जो समानता है समानता में आपको दो किया गया, प्रतिष्ठा और अवसर को किया गया, और प्रस्तावना के भातृत्व में आपको बंधुता का उल्लेख किया गया है। चलिए ठीक है, निम्न में से किसके संबंध में आपको राज्यसभा का अनन्य अधिकार है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हेतु आविष्कार मतलब स्तुति करना। ठीक है, जो अनुच्छेद 312 कौन सा अनुच्छेद 312 में आपको के तहत आपको राज्यसभा को किस जो राज्यसभा को राज्यसभा का उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों में कम से कम दो तिहाई, कितना दो तिहाई, ठीक है दो तिहाई सदस्यों की बहुमत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं क्या है हमारे पास। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी भाग दो, भाग दो के जो अनुच्छेद होते हैं 5 से 11 होते हैं, 5 से 11 में आपको नागरिकता के संविधानों प्रावधानों को हम लोग पाते हैं। ठीक है, 5 से 11। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा या विधान परिषद, इसका आंसर क्या होगा, विधान परिषद को हम लोग भंग नहीं कर सकते, समाप्त नहीं किया सकता आपको। ठीक है, विधानसभा को जो भंग नहीं होती है, लेकिन राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर आपको संसद द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली आपको रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी, आपको मांडू मेवाड़ मंडला रामगढ़, ये एक हिस्ट्री है, ये मतलब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक अकबर के साथ आपको रानी दुर्गावती ने युद्ध किया था, वो कहाँ की रानी आपको है, तो मंडला की रानी थी, रानी आपको दुर्गावती हमको मंडला की शासिका थी, इन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया, कब किया 1564 में मुगलों से लोहा लिया था इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कौन सा सही सम्मिलित है निम्न में से, तो आपको इसमें से बताना है कौन सा सही सम्मिलित है आपको, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, देखिए गुरु अमरदास पीढ़ी और जो एक सेकंड, हाँ गुरु अमरदास है आपको मंजी, क्या है आपको मंजी, इसका होगा एक सेकंड मन जी। ठीक है, गुरु अर्जुन देव होगा जो कि आदि ग्रंथ है आपको, आदि ग्रंथ ये आपको सही है, क्या है ये सही है, ऑप्शन आंसर इसका सही क्या होगा, बी होगा, पर जो गुरु रामदास है आपको, गुरु रामदास आपको इसका आंसर आपको लिख के बताना है, गुरु रामदास क्या है दल खालसा के आपको है गुरु मतलब दल खालसा के गुरु गोविंद सिंह जी हैं, कौन है गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, और मंजी के किसके हैं, मंजी आपको गुरु अमरदास के हैं। ठीक है, गुरु अमरदास हैं। ठीक है, मीडियोपीडिया किसके हैं, गुरु हरगोविंद के, कौन है मीडियोपीडी गुरु हरगोविंद के। ठीक है, चलिए औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था आपको, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ताराभाई के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में था, ताराभाई के नेतृत्व में। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, 1707 ईस्वी में हुआ था, जो उस समय आपको मराठा के जो नेतृत्व थे ताराबाई के पास था, जो ताराबाई की राजा राम की पहली पत्नी थी, किसकी राजा राम की पहली पत्नी थी। ठीक है, जिसकी जब जो कि इनका मृत्यु हुआ था 1707 में, इन्होंने इनका हाथ था नेतृत्व में लिया था, और 1761 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति निम्नलिखित में किस गवर्नर से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स आपको सुरक्षा परिषद प्रकोष्ठ या घेरे की नीति का जो संबंध है आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के से है, यह 1773 से आपको 1785, ठीक है 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था, ये आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है आपको, ये बीपीसी की। ठीक है, तो कुंवर सिंह, तीतर सिंह, तात्या टोपे या खान बहादुर सिंह, इसका आंसर होगा आपको आंसर ए कुंवर सिंह आपको 1857 की क्रांति में भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्रामक थे, कौन थे आपको कुंवर सिंह थे, इन्होंने ही अंग्रेजों से लोहा दिया था, इनका जन्म कहाँ हुआ था 1770। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम, 1770 में बिहार के जगदीशपुर में, ये भी याद रखिएगा बिहार के जगदीशपुर में। चलिए नेक्स्ट क्या है, सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता का काल
क्या था आपको? सर जॉन मार्शल के अनुसार आपको सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या था आपको? तो इसका सभ्यता का काल था 3250 से 2750 ईसा पूर्व, ठीक है। सर जॉन मार्शल के अनुसार आपको सिंधु जो सभ्यता का आपको 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक, जबकि आपको डीपी कौन डीपी अग्रवाल के अनुसार आपको यह काल आपको 2350 से 1750 ईसा पूर्व था, ठीक है। 1700 ये दोनों भी याद रखिएगा, डीपी अग्रवाल के अनुसार 2350 से 1750 और सर जॉन मार्शल के अनुसार आपको 3250 से 1750, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिंग पूजा का स्पष्ट प्रमाण किस पुराण से मिलता है आपको? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मत्स्य पुराण से। लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट जो प्रमाण हमें मत्स्य पुराण से आपको मिलता है, सातवाहन वंश के उद्धव और शासन का विवरण भी हम लोग मत्स्य पुराण से मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 1857 की क्रांति के जो क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन था आपको? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका इतिहासकार था एस एन शेन। कौन? 1857 की जो इतिहासकार के जो सरकारी इतिहासकार थे आपको सुरेंद्र नाथ सेन, एस एन सेन, ठीक है। और 1857 की क्रांति को आपको वी डी जो सावरकर है, वी डी सावरकर ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे आपको? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। कौन होंगे? बाल गंगाधर तिलक जी आपको पत्रकारिता के कर्तव्य निर्वहन करते हुए आपको जेल के मतलब प्रथम व्यक्ति थे जो कि जेल गए थे, प्रथम भारतीय थे, ठीक है। और तिलक जी ने अपने मराठी भाषा में आपको मराठा दर्पण, आपको कौन सा मराठा दर्पण, ठीक है, केसरी, ठीक है, इन दो नाम से आपको अखबार जो ये दोनों मराठा है, ये मराठी पुस्तक थी, ठीक है, अखबार थी, दैनिक अखबार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, आर कॉपलैंड। कौन होगा? आर कॉपलैंड जो था ये आपको ये कहने वाला था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, ठीक है। आपको ये जो था 1857 में की जो क्रांति के समय आपको वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था, और ये 1857 के समय ही कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की है आपको? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, कॉर्नवालिस ने। आपको भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया है। आपको इसको न्यायिक संगठन का आपको जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके समय तृतीय थर्ड जो होता आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आपको? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी मतलब भूमिका निभाई थी। यह एक्ट आपको 1872 में पारित किया गया था, लाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो हुआ था 1884 में हुआ था। आपको स्थापना की इसकी संस्थापक कौन थे? संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा एम वी राघवाचार्य। कौन? जी सुब्रमण्यम और एम वी राघवाचार्य, ठीक है। इस दो नाम को याद रखिएगा, जी सुब्रमण्यम, एम वी राघवाचार्य। कब? 1884 में, ठीक है। चलिए अब कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतनी प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है एक, देखिए 10 इंटू जो कि आपको 25 प्लस
विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास 24, तो 24 को जोड़ लीजिए, ठीक है, अब माइनस 50 कर दीजिए, इस दोनों का रूट निकाल के माइनस 50 कर दीजिए, तो ये कितना हुआ 49 हुआ, 49 का रूट कितना हुआ 7 हुआ, ठीक है, और ये कितना आया 10 से मल्टीप्लाई करने पर 70 आया, अब माइनस 50 कर दीजिए तो कितना आया 20 आया, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 20, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको 21,000 का ऋण लेता है, 21,000 रुपये का ऋण लेता है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष के जो ऋण का भुगतान हो जाए, तो इसका इसका एक फॉर्मूला होता है, तो जो कि आपको माना कि जिस किस्त को अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 100, जो कि 10% दिया गया है आपको, ठीक है, तो इसका क्योंकि ये 2 वर्षों के लिए है, तो इसका पहले एक, फिर इसका इसको 2 बार हम लोग करते हैं, एक्स अपॉन हम लोग एक्स मान लिए, हम लोग प्रत्येक किस्त को मान रहे हैं, किस्त को एक्स प्लस 10 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको इक्वल कर दीजिए 21,000 के, क्योंकि 21,000 हमें दे रखा है, तो जब भी इसका एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें निकल के आती है 12,100, कितने निकल के आ जाएगी 12,100, ठीक है, ये वाला इसका देखिए फॉर्मूला, हम लोग एक्स मान लेते हैं, किस्त को एक्स मान लिए, तो उसको क्या करेंगे 2 बार दिया है, 2 बार देता है, तो हम लोग 2 बार उसको मतलब करेंगे 1 प्लस, क्योंकि 10% से दे रहा है, तो 10% हम लोग इंक्रीज करते हैं, और इसको देखिए इसको एक किए, एक अगर ये देते हैं, मान लीजिए ये 3 देता है, यहाँ 3 बार हम लोग करते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 12 दिन में कर सकता है, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यदि उसे एक दिन बी और सी उसे उसके अगले दिन सी एकांतर काम करता है, मान इसके कहने का मतलब हुआ कि ए हुआ बीस और बी हुआ 15 और सी हुआ 12, ये क्या करता है, पहला दो दिन होता है ए और बी मिलकर करता है, क्या करता है ए और बी मिलकर करता है, और दूसरा दिन जो होता है आपको सी और ए मिलकर काम करता है, इस तरह से काम करता है ये दोनों, ठीक है, तो क्या होगा देखिए इस तरह से हम लोग तो टोटल अगर दोनों मिलकर करेगा तो वो हम लोग देखेंगे किस तरह करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसका रेशियो निकालते हैं, जैसे 20 हुआ 15 हुआ और 12 हुआ, इस दोनों का एलसीएम निकालते हैं, इस दोनों का एलसीएम आता है 60 आता है, तो कितने दिन में होगा, तो देखिए 20 या 60 यहाँ 3 दिन में हुआ, 15 चौके 60 हुआ और ये क्या हुआ और 12 पंचे 60, तो ये टोटल हो गया, देखिए यहाँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो 3 प्लस, देखिए पहला हम लोग क्या थे ए बी को साथ ले रहे थे, तो ए बी को साथ लेंगे तो क्या होगा 4 3 7 हुआ, ठीक है, और दूसरा दिन क्या हो रहा था ए और सी को साथ ले रहे थे, 5 3 8 हुआ, तो टोटल 8 हुआ, अब टोटल कितना हुआ ये 15 होगा, सॉरी सबको रब कर देता हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए टोटल 15 हुआ, 15 कर रहा है कितने दिन में 2 दिन में, ठीक है, और क्योंकि 60 दिया है तो 60 का मल्टीपल कितना होगा, देखिए 15 चौके 60 हुआ, ये 2 दिन में कर रहा है तो कितना हो गया 8 दिन में, ठीक है, 4 2 4 2 8, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 7 और a इंटू बी इज इक्वल टू 12, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये याद रखिएगा, तो इसका फॉर्मूला जब इस पर पुट कर देंगे तो इसका आंसर हम लोग हमें निकल के आ जाएगा 91, ठीक है, चलिए वन नेशन नेक्स्ट लास्ट क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन बना आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, क्या होगा आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश आपको जो होगा आपको वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लागू करने वाला आपको संयुक्त रूप से मतलब देश का पहला राज्य बना है, ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग को इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, और कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, क्या इसमें सुधार करना है, क्या इसमें क्या करना है, ठीक है, और क्या कर सकता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, चलिए ओके, चलिए एंड करते हैं, ओके बाय, थैंक यू।